होली छठी माई के होला पूजा पाठ है हमार कैसे कैसे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त पूरे देश में लोक और आस्था का पर्व छठ काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की ही बात नहीं करें, विदेशों में भी जहां पर भारत के लोग रहते हैं वहां भी काफी इसे धूमधाम से मनाते हैं। और खास करके बिहार से जो जुड़े लोग होते हैं, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बिहार जाने के लिए किस कदर ट्रेनों में भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि लोग इसे अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं। उनसे बाहर रहा नहीं जाता, वो घर जाना चाहते हैं। ऐसे में क्या आम क्या खास, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मना रहे हैं। कई तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। ऐसे में कई राजनीतिक घराने से भी तस्वीरें और वीडियो निकलकर छठ के पर्व पर आती हैं। लेकिन इस बार बता दें आपको कि बिहार में लालू परिवार में राबड़ी देवी छठ नहीं मना रही हैं, जिसके कारण उनके बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पैतृक आवास पहुंच गए, जहां पर वो परिवार के लोगों के साथ प्रसाद का ग्रहण किया और बैठकर बातचीत कर रहे हैं। देखिए आप उनकी वीडियो। पहला बेराज तेरी कई पलबिया जिनके प्रताप संगे देवे आरागिया से अब ताला बड़ी भी से पूछे लगली बात आमा कैसे कैसे बोली छठी माई के होला पूजा पाठ आमा कैसे कैसे और क्या पूछ लिया। मिट्टी के चूल्हा कैसे बने बासादी भरना में कौन खाइल जाला परसादी मिट्टी के चूल्हा कौन बने कैसे बने बासादी हरना में कौन खाइल जाला परसादी काहे खाइल जाला लाऊ काया भात ए आमा हमके बता दी। पूछ सराबड़ी जी से ये सब बात ए आमा हमके बता दे का होई आमा जी आम के लकड़िया अयरग में चढ़े कवन फल फल हरिया का होई आमा जी आम के लकड़िया अयरग में चढ़े कवन फल फल हरिया आ कैसे खुश होई है देव दीना नाथाए आमा हमके बता दी आ कैसे छठी माई के। तो देखा आपने तेज प्रताप यादव को, राबड़ी देवी इस वक्त छठ नहीं मना रही हैं इस बार, जिसके कारण उनका परिवार पूरा इकट्ठा नहीं हो पाया है। लेकिन तेज प्रताप यादव से रहा नहीं गया, वो अपने पैतृक आवास पहुंच गए गोपालगंज, जहां पर वो अपने परिवारजनों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण उन्होंने वहां पर किया है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।